क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सूर्यप्रकाश मीणा के समर्थकों ने नगर में आभार यात्रा निकाली। प्रचंड मतों से विजयी होने पर मतदाताओं का आभार जताया। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नगर में आभार प्रदर्शन किया। आभार यात्रा नगर के नए बस स्टैंड से आरंभ होकर पुराने बस स्टैंड पहुंची, जहां पूरे नगर के लोगों द्वारा जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक मीणा ने कहा कि चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी भी घोषणाएं शमशाबाद के विकास हेतु की हैं, उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। 10 सीएम राइज स्कूल, नहरों से वंचित क्षेत्रों में किसानों के लिए नहर सेहत, क्षेत्र में जो भी आवश्यकताएं जनमानस के लिए जरूरी हैं, उनकी पूर्ति प्राथमिकता के साथ की जाएगी। समय में इस विधानसभा में विकास कार्यों के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग है और आपने क्या कुछ बनाया? देखिए, चुनाव के दौरान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जो सभा हुई थी, सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया था, जनता को उसी से अंदाजा लग गया। मंच से जो उन्होंने कहा था कि शमशाबाद क्षेत्र के लिए जो बन पड़ेगा विकास के कार्य वो मैं करूंगा, और इन विकास के कार्यों में धन की कमी कभी आड़े नहीं आने दूंगा। और आपने सब देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने उस समय 10 सीएम राइज स्कूल केवल शमशाबाद विधानसभा के लिए स्वीकृत करने की बात भी मंच के माध्यम से कही थी। तो निश्चित रूप से उस भाषण के माध्यम से और मैं अपनी तरफ से भी शमशाबाद की संपूर्ण विधानसभा का जो कमियां रही हैं विधानसभा में, चाहे सड़क की आवश्यकता हो, बिजली की आवश्यकता हो, शिक्षा के लिए स्कूल की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की जरूरत हो, या पेयजल के लिए पानी की जरूरत हो, या खेतों की सिंचाई सुविधा के लिए पानी की आवश्यकता हो, ये सारे विकास के कार्य में करने का प्रयास करूंगा। वो जहां तक गरीब जनता का सवाल है, जो मध्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उन सब में किस स्तर पर रुकावट हो रही है, कोई हितग्राही यदि उस योजना का लाभ लेने से वंचित है तो उसको लाभ दिलाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।